गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं अपने जयपुर की जर्नी। हम लोग जयपुर अजमेर ट्रेवल कर रहे हैं। एक्चुअली मेरे को मेरा स्टोर है, अपने वीडियोस भी देखे होंगे, तो स्टोर का भी कुछ सामान लेना था। फिर हमने कहा काफ़ी टाइम से कहीं गए नहीं, तो थोड़ा सा घूमना भी हो जाएगा। बट स्टिल जैसा मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि कोविड अभी कम्प्लीटली गया नहीं है, तो बी सेफ, हम लोग भी पूरा सेफ्टी से ट्रैवल कर रहे हैं। अपना सैनिटाइजर वगैरह हमेशा की तरह मैं कैरी कर रही हूँ। तो चलो और इसके आगे ज़्यादा तो बातें नहीं करते। अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारी जयपुर की जर्नी, और मेरे साथ में मेरी फ्रेंड जा रही है इस बार। ये ना बैंगलोर रहती हैं, बड़ी मुश्किल से ग्वालियर आती हैं आजकल घर पर फाइनली आई है ना। और ये मेरी ना सबसे ज़्यादा पुरानी फ्रेंड है, और हम लोग की कभी कोई ट्रिप नहीं हुई है। ये हमारी मोस्ट अवेटेड ट्रिप है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम शायद बाहर जा रहे हैं साथ में। तो बड़ा मज़ा आने वाला है, और पूरी जर्नी आपके साथ शेयर करेंगे। आई थिंक पार्ट्स में ही डालूंगी मैं। चलो आगे आपको दिखाते हैं हमारी पूरी जर्नी। इधर देख, क्योंकि इन्होंने छुट्टी नहीं ली है, ये वर्क फ्रॉम होम पर है, तो ये ऑन स्टेशन भी काम कर रही है। देखो इनका लैपटॉप खुला हुआ पड़ा है, ऑफिस का काम चल रहा है यहाँ पर। तो अब ये ना पूरे रास्ते ऑफिस का काम करते हुए जाने वाली हैं। फाइनली हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं, और ये मैडम अगेन वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट इनका। और अब आगे ना थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट लेते लेते हो गया। जगह जगह सब पानी भर गया है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई आज यहाँ पर। तो हेयर्स आर टाइम, मौसम बड़ा अच्छा सा हो रहा है, और ये यहाँ पर काम चल रहा। बेचारी ने ना अभी लिपस्टिक नहीं लगाई है, इसलिए अपना मुंह नहीं दिखाना चाहती वो। बट ये ना हमारी मोस्ट अवेटेड ट्रिप थी। आदत तो इसी खुशी के हमारे पागल हो गए हम लोग, है ना। संभाले नहीं, संभल रही है। ये है द फेमस चंबल घाटी। ये हम लोग रास्ते में कहीं तो भी पहुंच गए हैं, बस पता नहीं ये कौन सा स्टेशन है। सो हम ना फाइनली पहुंच गए हैं अजमेर। हमारी ट्रेन रुकने वाली है। ये देखो मैडम लटक कर देख रही हैं कि स्टेशन कौन सी साइड आने वाला है। और अब इट्स ऑलरेडी 12:45-48 समथिंग हो गया है। आई थिंक पहुंचते पहुंचते वही हम लोग को, मतलब अभी स्टेशन पहुंचने में एक तो मुझे लगता है बच ही जाएगा, क्योंकि ट्रेन अभी हल्का सा मतलब स्टेशन स्टार्ट होने से पहले पहुँच गई है। अब हम लोग करेंगे ऑटो और जाएंगे दरगाह मार्केट में, फिर लिए होटल देखने। बेबी अपना मुंह तो दिखाओ सबको, अभी तक किसी ने तुम्हारा मुंह। सो ये है अजमेर का स्टेशन, हम पहुंच गए। अब हम जा रहे हैं बाहर, बाहर से पकड़ेंगे ऑटो और जाएंगे दरगाह मार्केट में। दरगाह के पास ही लेंगे, ताकि हम लोग वहीं पे आसपास ही है, क्योंकि सारा कुछ, एक लेक भी है, दरगाह भी है, और वहाँ पर ना मार्केट भी है काफ़ी अच्छा सा घूमने के लिए। थोड़ा बहुत शॉप भी कर सकते हो, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं यहाँ की, ट्रेडिशनल जो राजस्थानी है। सो वी आर गोइंग आउट, और ये निकल रहे हैं हम स्टेशन के बाहर। सो दिस इज़ अजमेर स्टेशन, एंड ये अजमेर स्टेशन के बाहर देखिए आप, बहुत सुंदर सा वर्क है। काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है, बस स्टिल यू कैन सी द आर्किटेक्ट। और ये देखो, ये तो मैडम की सोने की तैयारी हो गई है। इनको ने यहाँ का वॉल पे बड़ा अच्छा लगा है, ताजमहल वगैरह। क्या क्या बना हुआ है इस पर, आपको पास से दिखाती हूँ इसको। तो ताजमहल बना है, क्लॉक टावर, तो पता नहीं कुछ अजीब से ही नाम लिखा है। तो ये है हमारा रूम, और अब हम फिलहाल तो ना एक सवा एक बज गया है, फिलहाल तो हम सोने वाले हैं। सुबह उठेंगे जल्दी, फिर जाएंगे दरगाह। दरगाह पे आपको दिखाते हैं कि दरगाह कैसा है। फिलहाल तब तक गुड नाइट।
गुड मॉर्निंग। सो हम लोग ना रेडी हो रहे हैं, ये देखो मैं ऑलमोस्ट हो गई हूँ, मैं थोड़ा सा बचा है अभी, इनके रेडी हो रही हैं शीश एग्जाम में खड़े होके। अब हम जाने वाले हैं दरगाह, दरगाह पे दर्शन करके फिर हम यहाँ पर जो लेक वगैरह है, मार्केट है, वो घूमेंगे। सो आपको सारा दिखाते हैं क्या क्या है यहाँ पर। फिलहाल हम रेडी हो गए, देखो सारा रूम ऐसे फैला दिया है इन्होंने इनका काम है इनका सो आज मैंने पहना है ये वाइट फुल लेंथ गाउन, इसके साथ दुपट्टा भी है। अभी दरगाह पे सर ढक के जाना पड़ता है, अभी मैं दुपट्टा भी लूँगी, फिर मैं बाहर जाकर आपको अपना ना कंप्लीट लुक दिखाऊंगी तो चलो चलते हैं आगे। ये ना हम लोग दरगाह पे पहुंच चुके हैं, और कुछ चादर वगैरह फूल वगैरह चढ़ाने के लिए जो लिया जाता है वो हम लोग ले रहे हैं। ये हमारे खादिम साहब हैं हमारे साथ, ये हमें दर्शन करवाने वाले हैं। ये है, हम आपको मेन दरगाह दिखा रहे हैं, जो मेन दरगाह है, जो उनका मतलब स्थान होता है वो है। यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज़। उसी टाइम का सारा कुछ वर्क है, आर्किटेक्चर जो भी है वो सब उसी टाइम का है, बहुत सुंदर बना हुआ है सारा कुछ। और ये यहाँ पर ना एक जगह है, ये यहाँ पर यह ना दिए लगाते हैं। पानी डाल दिया आपकी तरफ से 10 रुपये का। बोली ना कि मैं करती हूँ फोन तुमको, तो मम्मी को लगा तू उनसे बोल रही, तो मम्मी बोलती है अच्छा अच्छा ठीक है, मैंने कह रही हूँ आपको नहीं बोल रही। ये यहाँ पर ना बड़ी देग है जो अकबर ने चढ़ाई थी जब उनको बेबी हुआ था, जब सलीम हुए थे, तो यहाँ पर ना पूरा यहाँ पे जो मांगते हैं वो जब पूरा होता है तो लोग इस तरह से सब बांध कर जाते हैं, जो भी उनकी दुआ होती है। वो ये देगों में इतना खाना बनता है, फिर सब में बांटा जाता है। ये छोटी देग है और ये बड़ी देग है यहाँ पर जो मैंने अभी आपको दिखाई, और अभी ये हम जा रहे हैं बाहर। ये यहाँ का लोकल मार्केट है जो दरगाह के बाहर ही है, तो आप लोग को अगर शॉपिंग करनी है तो यहाँ का लोकल जो शॉपिंग है वो आप यहाँ से भी कर सकते हो। बहुत सारे कुछ एंटीक टाइप के यहाँ पे बर्तन वगैरह भी मिलता है, मैं जब लास्ट टाइम आई थी तब भी मैं अपने लिए लेकर गई थी। हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, मैडम को बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी पहुँच गई। देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है ब्रेकफास्ट में। कुछ है ब्रेकफास्ट के लाइक बैठो बैठो। सो अब हम करने वाले हैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट, अब हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, इसके बाद हम जाएंगे आना सागर और यहाँ का लोकल मार्केट घूमने। और ये लोकल मार्केट तो मैंने अभी आपको दिखाया दरगाह के बाहर ही है सारा, तो यहीं से जो भी छोटा मोटा शॉप करना है, क्योंकि बाकी तो मैं जयपुर से सारी शॉपिंग करनी है, क्योंकि मैं अपना जो है शॉप का सामान लूँगी तो सारी शॉपिंग वहीं से होगी, बट यहाँ से थोड़ी बहुत होगी। ये देखो यहाँ पर क्या चल रहा है मैं तुमसे ब्लॉग बनाए जा रही हूँ, ये पूरे ब्लॉग में आ रही है और मेरा ब्लॉग मैं ही गया तुम ब्लॉग में से तो इस बार ना आपको बहुत ही अच्छा सा कुछ देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि मैं पूरा कैप्चर कर रही हूँ सारा कुछ, और शायद इसीलिए ना मुझे ये वीडियो पार्ट्स में भी डालनी पड़ेगी, जैसे मुझे झांसी वाली पार्ट्स में डालनी पड़ी थी ना ओरछा वाली, वैसे मुझे ये वीडियो भी पार्ट्स में ही डालनी पड़ेगी। तो
चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। इन्होंने किया है इडली सांभर ऑर्डर। ये मराठी हैं इनको इडली सांभर बड़ा पसंद है तो हमने अपने लिए किया भाई अपना देसी आलू पराठा तो खा लेते हैं फिर जल्दी से चलते हैं आगे। इनका आ गया है ब्रेकफास्ट, मैं फ़ोटो नहीं वीडियो बना रही ही अधाए निकाले तो इनका ब्रेकफास्ट आ गया, अब मेरे वाले का इंतज़ार है। एंड हियर कम्स माय ब्रेकफास्ट। सो हम खाने वाले अपना खाना। अब जा रहे हैं हम लोग वापस, अब यहाँ से निकलेंगे हम जयपुर के लिए। बहुत सुंदर सुंदर सी चीज़ें हैं यहाँ पे। एंड दिस इज़ अजमेर बस स्टैंड, जहाँ से हम लोगों को अभी यहाँ से जयपुर के लिए बस मिलने वाली है। पूरा हमने ऐसे प्लान करा था जैसे हम ना रोड ट्रिप पर जाते हैं तो उसका भी हम मज़ा ले सकें, इसलिए हम ना कहीं से भी कुछ भी सब करते हुए जा रहे हैं। और कुछ भी हाईटेक चीज़ हमने इस बार ट्रिप में नहीं ली थी, एसी वगैरह के टिकट भी नहीं करवाए थे। और ये यहाँ की बिल्डिंग्स हैं, जिन यहाँ के ना पूरे आर्किटेक्चर वगैरह जो है उसमें आपको एक राजस्थानी कल्चर की जो झलक होती है वो अभी भी देखने के लिए मिलती है। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सब कुछ था और हमें ट्रिप में भी काफ़ी मज़ा आया। आप लोग भी चाहें तो यहाँ पर ट्रिप के लिए आ सकते हैं। और मैं बता दूं कि ये जो सारी चीज़ें हैं बहुत ही ज़्यादा, एक हम बोलते हैं ना कि हम चीप प्राइस में कहाँ घूम सकते हैं इंडिया के अंदर, तो ये भी ऐसी ही ट्रिप थी जिसको हमने बहुत ही एक बहुत ही मिनिमम वैल्यूज़ के साथ में कंप्लीट करा और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से भी प्लान करके मज़ा हम लोग को आया और बहुत ज़्यादा इंजॉय तो हमने किया ही। साथ ही हम लोग का काम भी हो गया क्योंकि मैं अपना शॉप का जो भी कुछ लेने गई थी सामान वो भी हमें मिल गया। चलिए तो इसी के साथ हमारा अभी अजमेर का ट्रिप यहाँ पर होने वाला है एंड अब होगा जहाँ हम जयपुर पहुँचेंगे और वहाँ से आगे का जो भी हमारा सफ़र रहेगा उसको मैं ना डालूँगी सेकेंड पार्ट में। फ़िलहाल ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पर एंड होने ही वाला है तो चलिए सेकेंड पार्ट को ज़रूर देखिएगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताएं। और साथ ही अगर आपने अभी तक वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो मेरे साथ देखते रहें, हमारी ट्रिप्स की, हमारे इवेंट्स की, हमारे शॉप की और बहुत सारा कुछ। यहाँ पर नहीं आने तो पुराने चला जैसे कि मज़ा नहीं लेना, बहुत अच्छे से लिया, बहुत ज़्यादा